जनता की बात जनता के साथ साथ। दिनांक 26 फेब्रुवारी रोजी श्रीमती डीजी अग्रवाल मेमोरियल स्कूल नवापुर येथे विज्ञान प्रदर्शन संपन्न झाले। संस्थेचे अध्यक्ष श्री निरंजन ओम प्रकाश अग्रवाल यांनी अध्यक्षस्थान भूषवले, तसेच प्रमुख पाहुणे म्हणून संस्थेचे उपाध्यक्ष श्री संतोष राधेश्याम शर्मा तसेच कुमारी निलेश्वरी निरंजन अग्रवाल आदी उपस्थित होते। प्रदर्शनात शाळेच्या सर्वच विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेऊन जवळजवळ 145 वैज्ञानिक उपकरणे सादर केली। प्रदर्शनासाठी सौ शिना मॅडम, अनिश सर, सौ संध्या पाटील मॅडम, जेतल मॅडम तसेच ब्लेसी मॅडम या विज्ञान शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले। कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी शाळेचे मुख्याध्यापक श्री बी के सर तसेच सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले। प्रदर्शन बघण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी उपस्थिती राहून विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले। प्रेमेंद्र पाटील, नवापुर लाइव न्यूज, नवापुर। हमने बनाया ब्लाइंड ग्लासेस, तो ये अंधे लोगों के काम का है। तो जो दृष्टिहीन होते हैं उनको कभी कभी क्या प्रॉब्लम होता है कि उनकी जो स्टिक होती है वो कभी कभी ट्रक के नीचे चल जाती है, और कभी कभी उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि उनका सिर जो ट्रक की बॉडी है उसे भिड़ जाता है। तो इसकी वजह से हमने ये इन्वेंट किया है कि अल्ट्रासोनिक सेंसर हमने यूज किया है, और हमने ये कोड ऐसा किया है कि ये 5 फीट तक सेंस कर सकता है आराम से, और ये हमने लाइट वेट ड्यूरेबल और टाइनी बैटरी की वजह से। आज साइंस डे के उपलक्ष्य में डीजे अग्रवाल स्कूल के अंदर में साइंस एग्जीबिशन लिया गया। हमारी मैनेजमेंट का यही उद्देश्य होता है कि बेहतर से बेहतर एजुकेशन इन बच्चों को हो। अदर एक्टिविटीज़ में हम बहुत आगे इन बच्चों को ले जाना चाहते हैं। इसमें आप सब पेरेंट लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, और हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है, और भविष्य में हम इसको और भी आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। कितने साल से ये सब उपक्रम चल रहे हैं आपके? 2006 से हम लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल लगाए बैठे हैं, और ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ कि जिले के अंदर में हमारे स्कूल का परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया है। 7 साल से हम यही प्रोफेसर साइंस एग्जीबिशन में से बहुत सारे एक्टिविटीज कंडक्ट कर रहे हैं, पर अभी 2 साल से कोरोना के वजह से थोड़ा सा रुक गया है प्रोग्राम्स, पर इस साल फिर से बच्चे ने और टीचर्स ने इतना इनिशिएटिव होकर बहुत सारे समझाया बच्चों को, दोनों ने वो अच्छी तरह से करा, सभी प्रोजेक्ट ने अच्छी तरह से करके दिखाया हमारे सामने। कितने प्रोजेक्ट अभी? 143 प्रोजेक्ट था, 143 है उसमें। कुछ बताने लायक? से लेकर अभी 9th स्टैंडर्ड तक स्टूडेंट्स ने किया, अभी 10th भी करने वाले थे, पर उनके एग्जाम के वजह से और आपको बढ़िया बढ़िया देखने मिल जाते थे अगर 10th स्टैंडर्ड भी करते तो, पर वो बच्चे ने नहीं किया है। 9th स्टैंडर्ड का 10th का पेपर चालू होने वाले ना, इसकी वजह से हमने 9th तक बच्चे से पूरा गाइडेंस बराबर दिया। वो हिसाब से बच्चे ने बहुत एक महीने से एक प्रोजेक्ट के पीछे थे सारे बच्चे। जनता की बात जनता के साथ साथ।